नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है, अपना वीडियो है हेल्थ अवेयरनेस को लेके, कि आप और हम हेल्थ को लेके कैसे अवेयर रहे। क्योंकि आजकल हर कोई अपनी हेल्थ को लेके तो अवेयर है, पर उसको मेडिकल एजुकेशन नहीं है। मेडिकल एजुकेशन नहीं होने से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि जो भी कॉमन डिजीज है उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, उसको ट्रैफिक रूल्स का तो पता होता है, पर ड्राइवर को ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ में उसको गाड़ी में और अदर माइनर मिस्टेक्स होती है उनका भी उसको पता होता है। वैसे ही हम हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। आप डिटॉक्स वाटर भी ले रहे हो, पानी भी ज़्यादा पी रहे हो, फ्रूट्स भी बराबर खा रहे हो, लेकिन इतना सब काफ़ी नहीं है। आपको मेडिकल एजुकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई डॉक्टर तो नहीं हो सकता, पर उसको थोड़ा बहुत इश्यूज हो अपनी बॉडी में, थोड़ी बहुत मेडिकल एजुकेशन हो उसको, हल्का उसको डिजीज का नॉलेज हो, मेडिकल एजुकेशन हो, तो उसको इतनी इश्यूज नहीं होते। क्योंकि आजकल इतने एंटीबायोटिक्स के इश्यूज होते हैं, और डॉक्टर्स क्या है, आजकल सब मनी माइंडेड हो गए, मनी मेकर्स हो गए। तो फालतू की अननेसेसरी आपके रिपोर्ट्स होती है, आपको एंटीबायोटिक खिलाई जाती है। तो ये सब, इन सब से बचने के लिए आपको खुद को मेडिकल एजुकेशन आपको होना बहुत जरूरी है। मैं डीप की बात नहीं कर रहा, मैं आपको MS MD बनने के लिए नहीं बोल रहा, बट जो भी नॉर्मल इश्यूज है उनका आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं उनमें आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको डॉक्टर्स इतने अननेसेसरी एंटीबायोटिक खिलाते हैं, उनको आपको और आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको कॉमन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कॉमन नॉलेज की मैं बात करूं, तो ऐसे ही एक पेशेंट, दो पेशेंट है, उनका मैंने वीडियो शूट किया था, वो आपके मैं शेयर कर रहा हूँ। उनमें आप देख सकते हो ऐसे उनको गले में खराश था। आजकल चाहे रेनी सीजन हो या समर हो या विंटर हो, कोई भी सीजन हो, कोल्ड एंड फ्लू इज वेरी कॉमन। तो इन सब में क्या होता है, फेरिंजाइटिस होता है, फेरिंग्स का स्वेलिंग हो जाता है, तो आपको गले में खराश हो जाती है। ये गले में खराश भी दो टाइप की होती है, एक बैक्टीरियल होती है, एक वायरल होती है। बैक्टीरियल में आपको एंटीबायोटिक्स का इतना रोल रहता है, वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। 1 रुपए की टेबलेट आती है पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन, कोई भी टेबलेट आप खाओ उसे ठीक हो सकते हो, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं रहती। आपको जो मिस यूज होता है एंटीबायोटिक्स का, आपको खाने की जरूरत ही नहीं होती। पर होता क्या है, एक्चुअली आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको गले में इन्फेक्शन हुआ, भले ही वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, डॉक्टर नहीं जान लेगा। क्योंकि आजकल मनी माइंडेड है, मनी मेकर्स हैं, पहले भी बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। तो वो आपको जाते ही CBC रिपोर्ट, खांसी है तो एक्सरे, CBC के साथ में आपकी CRP जो कोरोना के बाद से एक्चुअली कॉमन हो चुकी है, यह सब रिपोर्ट हो गई, 1400-1450 रुपये का आपका खर्चा आ गया। कोई डॉक्टर इधर आराम से देख सकता था आपको कि आपको ये जो इन्फेक्शन है वायरल है या बैक्टीरियल है। आपको गले में खराश ही थी नॉर्मल, कॉमन आपको कोल्ड था, फिर भी आपको जो सिम्टम्स आए आपने लेके चले गए, आपने फालतू की इतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई। अगर आपको वायरल फेरिंजाइटिस है, गले में खराश जो है वो वायरल है, तो आपको मेडिसिन की इतनी ज़रूरत ही नहीं, 4-5 दिन आप मेडिसिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे। पर आजकल पेशेंट्स की भी सोच ये हो गई, तब तक मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊँ, डॉक्टर मेरे को नहीं बोलेगा आपको कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल है, तब तक उसको भी शांति नहीं है, उसको चेंज है नहीं, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएगा फिर ही उसको समझ में आता है। तो आप इन सब से बचो। चलो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपने पैसा खर्च कर दिया खुद के ऊपर, अच्छी बात है, पर जो आपके बॉडी में साइड इफेक्ट आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स के, वो तो आप ही को झेलने हैं फिर। तो इन सब से बचो। एक ऐसे दो वीडियो है जो आप खुद, जब भी आपको गले में खराश हो, आप आजकल सबके पास में स्मार्टफोन होते हैं, आप उनसे अपनी फोटो क्लिक करो और देखो कि अगर आपको वो वायरल है या बैक्टीरियल है। और वायरल और बैक्टीरियल में डिफरेंस करने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, आप कॉमन, ये एजुकेशन है, कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप खुद देख सकते हो। ऐसे पिक्चर्स अगर आपको आती है तो मेरी वीडियो पेशेंट के डाले उनमें आप देखना, अगर ऐसी आपको पिक्चर मिलती है तो आप डेफिनेटली मान के चल सकते हो वायरल इन्फेक्शन है। गरारे करो, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नमक डाल के हल्के गरारे करो,
और सिर्फ पैरासिटामोल खाओ, 4 या 5 दिन में आपको ठीक बेनिफिट मिल जाएगा। अगर बैक्टीरियल है तो आपको जाना मेडिसिन खाने की जरूरत रहती है, नहीं तो गले में खराश है। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक इतना कॉमन हो गया, सभी लोग खा रहे हैं, सभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सभी पेशेंट को दिया जा रहा है, जरूरत है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। आप डॉक्टर के पास चले गए, आपको मेडिसिन लेना ही है। अपन डॉक्टर के पास फिजिकली क्यों जाते हैं, फिजिकली विजिट क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि डॉक्टर्स देख के अपने को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, पर होता इससे उल्टा है। पहले आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है खूब सारी, और फिर आपको बाद में मेडिसिन दी जाती है। उसमें भी मिसयूज मिलता ही है, कुछ है बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी है जो आपको नहीं प्रिस्क्राइब करते, पर मोस्टली 80% यही मेडिसिन आपको मिलती है, एंटीबायोटिक्स आपको खानी पड़ती है। तो ऐसे 2 वीडियो मैंने डाले हैं, आपको अगर कभी गले में खराश हो तो आप अपने गले का फोटो निकाल के फोटो लेके देख सकते हो कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है, सिर्फ पैरासिटामोल खाओ, 3-4 दिन खाओ। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो, ठंडी चीज नहीं लेनी है, गर्म पानी से गरारे करो, नमक डाल के आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आ बोलो एक बार, आ वापस बोलो, जोर बोलो, आ बोलो, हाँ बोलो, मुंह खोल, हाँ बोल, आ वापस बोल, मुंह खोल, हाँ बोल, वापस बोल। फ्रेंड्स, आपने दो वीडियो देखे, इन दोनों को फेरिंजाइटिस था, गले में खराश थी, इसको हम सोर थ्रोट बोलते हैं, गले में खराश थी इनको, तो इनका पर्चा भी मैंने आपको शेयर किया है। पेशेंट 2 टाइप्स की एंटीबायोटिक एक साथ खा रहा है, जो कि इसको बिल्कुल जरूरत ही नहीं, इसको वायरल फेरिंजाइटिस है, इसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं थी, पेशेंट अपने आप रिकवरी कर सकता था। पर इसकी 3 तो रिपोर्ट भी है, एक एक्सरे हुआ है, और इसको फिर भी 5 दिन की मेडिसिन मिली है, उसमें भी इसको दवा के एंटीबायोटिक्स दी गई। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये सब नहीं हो, आप खुद अपने अवेयर रहो, खुद को लेके थोड़ा जागरूक रहो, मेडिकल एजुकेशन आपको होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेडिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह आपको एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाने को मिल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपसे और शेयर करता रहूँगा। जिन डिजीज में आपको इतना कुछ मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, आप बच सकते हो, वैसे ही वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा, जिसमें आपको डॉक्टर कंसल्टेशन की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, आप घर पर खुद चेक कर सकते हो खुद को और मेडिसिन ले सकते हो, और उसमें भी आपको फालतू की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।